गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश असेंशियल। दिस इज गौतम सिंह, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। सो बुक फर्स्ट गोल्डन डेज में से हमारा अगला चैप्टर है 6 नंबर का, व्हाट इज एमिस विद अस। एमिस का मतलब होता है गड़बड़। तो टाइटल ही इनफैक्ट, क्योंकि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहां पर पूछ रहा है कि आखिरकार हम लोगों में क्या गड़बड़ है। यहां पर लोगों का मतलब है इंडियन से, यानी कि भारतीय लोगों से। तो जो राइटर है वो खुद भी इंडियन ही है, और वो अपने ही लोगों के बारे में पूछ रहा है कि आखिरकार हम लोगों के अंदर क्या गड़बड़ है। अब गड़बड़ किस चीज को लेकर है और हम किस चीज को लेकर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम चैप्टर के थ्रू जाते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो है इंडियन इंटेलेक्ट की। इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धिमता। भारतीय बुद्धिमता का हम स्तर देखते हैं कि क्या है। अवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। राइटर कहता है कि हमारा जो राष्ट्र है वो बौद्धिक लोगों का एक राष्ट्र है, यानी हमारे देश में पूरी तरीके से बौद्धिक लोग भरे पड़े हैं, और सदियों से जो बौद्धिक लोग हैं उनका जन्म भारत में होता रहा है। इट इज नॉट सैड आउट ऑफ शीर पैट्रोटिज्म। राइटर कह रहा है कि ये जो बुद्धिमता लोगों की मैंने बात करी है, बुद्धिमान लोगों के, भारतीयों की जो बात करी है, ये केवल मैंने, शीर का मतलब होता है केवल, और पैट्रोटिज्म यानी देशभक्ति है। तो राइडर कहता है कि मैंने सिर्फ देशभक्ति की बात नहीं करी है, सिर्फ देशभक्ति के मामले में ऐसा नहीं कहा जाता है कि भारत में सबसे जो देशभक्त हैं या फिर सबसे जो बुद्धिमान है लोग पैदा होते हैं। स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट। तो राइटर कहता है कि मैंने जो पहला सेंटेंस कहा कि भारत जो है वो बुद्धिजीवी लोगों के, बौद्धिक लोगों के जन्म स्थल ही रहा है, तो राइटर कहता है कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारत में और अब्रॉड यानी कि विदेश में जो अध्ययन स्टडीज हुए हैं वो इस बात को हमारे सामने प्रकट करते हैं। Not long ago, a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. उदाहरण के लिए राइटर कहता है, excelled का मतलब होता है निपुण। तो राइटर कहता है कि उदाहरण के लिए ब्रिटेन के जो स्कूल थे, उन स्कूलों की तरफ से पूरे भारत में और भारत के आसपास जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, जितने भी एशियन देश हैं, उनका एक अध्ययन किया गया, ये पता लगाने के लिए कि किस देश के जो बच्चे हैं वो बुद्धिमता में ज्यादा निपुण है, परफेक्ट है। It was discovered that Indians were superior to the natives of other countries. तो उस अध्ययन का नतीजा ये निकला कि उसके अंदर ये खोज की गई, ये पता लगाया गया कि जो विद्यार्थी छात्र होते हैं वो आस पड़ोस के जो देश हैं उनमें जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन पड़ोसी राष्ट्र के बच्चों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान भारत के जो विद्यार्थी हैं वो निकले। If that is true, why we are lagging behind other superpowers? लैगिंग का मतलब होता है पीछे छूटना। तो राइटर कहता है कि अगर ये अध्ययन वाली बात सही है, हालांकि वो सही है, लेकिन राइटर कहता है कि फिर क्या कारण है कि हम जो विकसित देश है, जो महाशक्ति देश है, उनसे पिछड़ते जा रहे हैं। वायर देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस। राइटर कहता है कि क्या कारण है कि हमारे यहां से अधिकतर जो बुद्धिमता लोगों का जो पलायन है वो विदेशों में, एफ्लुएंट यानी कि विकसित देश, प्रभावशाली देश। ब्रेन ड्रेन एक सोशल, जो सोशल स्टडी है उस स्टडी का एक वर्ड है जिसका एक पर्टिकुलर टर्म में यूज किया जाता है। वो टर्म ये होती है कि जब किसी देश के पढ़े लिखे बौद्धिक लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है जिसमें लोग, बुद्धिमान लोग अपने देश को छोड़ते हैं, मजदूर क्लास की बात नहीं हो रही है, बात बुद्धिमान पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर्स टीचर्स इन सब की हो रही है, जब ये लोग अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करते हैं तो हम उसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो राइटर कहता है कि क्या कारण है कि भारत से इतना ज्यादा जो ब्रेन ड्रेन है, जो यानी बौद्धिक लोगों का पलायन है, वो प्रभावशाली देशों में हो रहा है। जैसे हम देखें, अगर इंडिया में कोई बहुत अच्छा डॉक्टर या कोई बहुत अच्छा लेक्चरर या फिजिक्स में या साइंस में या केमिस्ट्री में या किसी भी फील्ड में ज्यादा बहुत परफेक्शन हासिल कर लेता है तो वो इस देश को छोड़ देता है। तो राइटर कह रहा है कि ऐसा क्यों है, वाई आर इंपोर्ट्स एक्सीड अवर एक्सपोर्ट्स। राइटर कहता है कि ऐसा क्यों है कि हमारा जो आयात है, यानी विदेशों से हम जो खरीदते हैं, वो हमारे निर्यात करने की क्षमता से कहीं ज्यादा है, यानी हम विदेशों को बेचते तो कम है लेकिन विदेशों से खरीदते ज्यादा है। Why we look to developed nations for help and aid where we are amiss? तो राइटर कहता है कि क्या कारण है कि हम अपनी हर किसी चीज के लिए, हर किसी सहायता के लिए, हर किसी मदद के लिए, help और aid सेम मतलब है। तो राइटर कहता है कि इस मदद के लिए हम हमेशा विकसित देशों का मुंह क्यों फाड़ के देखते हैं, आखिरकार क्या गड़बड़ है हम लोगों के साथ। अगर हम करंटली इस चीज को देखें कि जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेकर क्या रिसर्च हो रही है इंडिया के, तो हम जानते हैं नील बड़ा नील कुछ भी नहीं है, और सारी की सारी जो रिसर्च है, सारी की सारी जैसे टैमीफ्लू है, ये सब बाहर से ही बन के दवाइयां आती है, हमारे यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन राइटर कहता है कि जब ब्रिटेन के स्कूल्स में रिसर्च हुआ तब तो ये पता लगा है कि इंडिया के विद्यार्थी सबसे ज्यादा सुपीरियर होते हैं, निपुण होते हैं, लेकिन फिर क्या कारण है हम लोगों के अंदर कि
इतनी सारी बौद्धिक क्षमता होते हुए भी हमारे देश में ब्रेन ड्रेन ज्यादा है, हमारे देश से बौद्धिक जो लोग हैं वो प्रभावशाली देशों में चले जाते हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद भी हम मदद के लिए विदेशों का मुंह ताकते हैं, क्यों? Saying so does not mean our progress is not. Not का मतलब होता है कुछ भी नहीं. तो राइटर कहता है कि ऊपर जो मैंने वाक्य कहा, जो पैराग्राफ का, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश ने बिल्कुल भी तरक्की नहीं करी है. द भांगड़ा नांगल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एटसेट्रा आर सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स. राइटर कहता है कि ये 5-10 प्रोजेक्ट के नाम लिए हैं जो बहुत साल पहले जब इंदिरा गांधी, नेहरू, पंडित जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ये सिर्फ जो प्रोग्रेस है सारी इस कंट्री ने उसी ड्यूरेशन में करी है, और उसी ड्यूरेशन के सारे अचीवमेंट है जिनका राइटर नाम लेता है. भांगड़ा नांगल डैम हो गया, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा स्टील प्लांट्स और तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सारे के सारे जो अचीवमेंट है, राइटर कहता है कि हालांकि हमारे बड़े अचीवमेंट है जिनके अंदर हम इनको गिन सकते हैं, बट इन द ग्रैंड्योर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड. लेकिन राइटर कहता है कि बड़े का ग्रैंड्योर यानी कि जश्न मनाने के चक्कर में, बड़ी इन चीजों का जश्न मनाने के अंदर हमने क्या करा, छोटी चीजों को अनदेखा कर दिया. तो वो क्या छोटी चीजें हैं? हेयर आर सॉरी ई एफ शुमाकर वॉज नॉट रॉन्ग वैन ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज ब्यूटिफुल. राइटर कहते हैं जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं वो एक और राइटर का नाम यहां पे इंटरनेशनल राइटर का नाम लेते हैं, ई एफ शुमाकर. ई एफ शुमाकर की एक सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में बिकने वाली किताब रही है. तो राइटर कहता है बिल्कुल सटीक ही तो था कि जब ई एफ शुमाकर ने अपनी सबसे विश्व प्रसिद्ध किताब का नाम रखा स्मॉल इज ब्यूटिफुल, कि जो छोटा है वही सबसे सुंदर होता है. हेयर आर अ फ्यू इंस्टेंसेस टू शो हाउ the neglect of these small but important issues has hampered our glory. Hampered यानी कि बाधा डालना, खराब करना, और glory हमें बताइए गौरव. तो राइटर कहता है कि आगे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं. ये वो उदाहरण है जो कि बड़े ही हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमारे देश की, हमारे देशवासियों की कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही अत्यावश्यक है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्होंने हमारी गौरवशाली जो परंपरा है और हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है उसको पूरे विश्व के सामने धूमिल कर दिया है, उसमें बाधा खड़ी कर दी है. तो राइटर हमें वही कमियां बताएगा जो हमारे अंदर है. सबसे पहले आती है सोशल बिहेवियर, सामाजिक बर्ताव, कि हम किस तरीके से समाज में रहकर बर्ताव करते हैं एक दूसरे से. एंड सिविक सेंस, सिविक का मतलब होता है शहरी, सेंस का मतलब हमें बताइए ज्ञान, कि कितनी तो ज्ञान या फिर समझ, शहरी समझ और सामाजिक बर्ताव, तो ये हमारे देश के लोगों में किस तरीके का पाया जाता है अभी देख लेते हैं. हेयर वी आर एट लोएस्ट एब. राइटर कहता है कि अगर हम सामाजिक व्यवहार की या फिर शहरी तौर तरीकों की बात करें, समझ की बात करें, तो हम भारतीय जो है सबसे निम्नतम स्तर पर है. इट मे बी अ जर्नी और ए वॉक, चाहे हम लंबी यात्रा पे जा रहे हो, चाहे छोटी चहलकदमी पर, अ फीस्ट और ए फेयर, चाहे एक छोटी सी दावा दे रहे हो या बहुत बड़ा मेला हो, अ मीटिंग और ए गैदरिंग, चाहे चार लोगों की एक सभा हो रही हो या बहुत बड़ी सभा हो रही हो, और सीरियस स्टडी और ए लीजर आवर, चाहे हम अध्ययन कर रहे हो चाहे फिर आनंद का समय बिता रहे हो. मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रैस इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसेस. राइटर कहता है कि इन सारे के सारे मौके पर, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो, हम सबसे निम्नतम किस्म की जो मानवीय शालीनता होती है, उस निम्नतम किस्म की मानवीय शालीनता का प्रदर्शन करते हैं और साफ यह दिखा देते हैं कि जो सबसे मूर्खतापूर्ण मानवीय तरीके होते हैं, क्रैश का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, सबसे ज्यादा जो मूर्खतापूर्ण रवैया होता है हमारा, नकारात्मक रवैया, हमारा जो नजरअंदाज करने का रवैया होता है, हम वो दिखाते हैं किसके प्रति, जो सबसे बेसिक ह्यूमन डिसेंसिस होती है, यानी किस तरीके से एक मानव को कम से कम व्यवहार करना चाहिए, हम वो भी प्रदर्शित नहीं करते हैं. लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आर सोशल बिहेवियर एंड सिविलाइजेशन ऑफ सिविक सेंस. तो राइटर कहता है कि ऐसे कहने से तो अपन समझे नहीं, आइए हम नीचे चल के देखते हैं कि किस तरीके से सामाजिक व्यवहार और किस तरीके से जो सभ्य तरीका होता है शहरी समझ पैदा करने का, उसमें हम किसी तरीके से, किस तरीके से पिछड़ते जा रहे हैं, हम धूमिल होते जा रहे हैं. नंबर फर्स्ट, नॉइज पोल्यूशन. चैप्टर में पहले बता दूं, क्योंकि हम लोगों के बारे में और हमारी गंदी कमियों के बारे में, तो चैप्टर पढ़ना और इसे एसिमुलेट करना, अपने अंदर आत्मसात करना बहुत जरूरी है, वरना इस पढ़ाई का, इस सारी पढ़ाई जो हमारी है वो व्यर्थ चली जाएगी. तो सिर्फ ये नहीं समझना है कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, जो राइटर है वो इंडियन है और हम में से एक है, और अपनी बुराई को, अपनी गंदगी को साफ करना हर आदमी का एक निजी कर्तव्य होता है. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है नॉइस पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण. पहली बात तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात सबको बचानी चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन इंसान के होने से नहीं फैलता है,
नॉइज पोल्यूशन इंसान के जबरदस्ती फैलाने से बोलता है, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंसान अगर धरती पर है तो डेफिनेटली होगा, लेकिन नॉइज पोल्यूशन ऐसी चीज है जो बिल्कुल जानबूझ के डेलिब्रेटली की जाती है। तो उसमें हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन ईयर इज मीन्ड टू रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। डेसिबल एक यूनिट होती है आवाज के स्तर को नापने की। राइटर कहता है कि जो कान है, जो भगवान के दिए हुए, नेचर के दिए हुए हमारे जो कान है, वो कान एक विशेष तौर पर बने हुए हैं, एक निश्चित स्तर पर जो ध्वनि की आवाज होती है उस ध्वनि को, आवाज को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर्स वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, लेकिन अगर ये जो निश्चित डेसिबल्स होते हैं, अगर इस स्तर से ज्यादा की आवाज हमारे कान ग्रहण करते हैं, तो वो केवल जेरिंग यानी कि कर्ण कान को चुभने वाले, या कर्कश, जैरिंग का मतलब होता है कर्कश, वो खाली आवाज हमें कर्कश नहीं लगेगी, बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, बल्कि हमारे जो ध्वनि को ग्रहण करने के हमारे जो ऑर्गन्स, यानी कि जो बदन के, शरीर के अंग होते हैं, वो जो अंग है उनको भी खराब कर देंगे। यानी राइटर कहना चाहता है कि तेज आवाज सिर्फ कान फाड़ू या कर्कश नहीं लगती है, बल्कि हमारे जो वो ध्वनि के अंग होते हैं उन ऑर्गन्स को भी खराब कर देती है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, राइटर कहता है अपने गिरेबान में अगर हम जाग के देखें तो हम भारतीय लोग क्या परवाह करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, बिल्कुल भी नहीं। इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, राइटर कहता है कि चाहे हम टीवी देख रहे हो या फिर रेडियो पर कोई प्रसारण सुन रहे हो, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, या फिर हम टेप रिकॉर्डर सीडी प्लेयर चला रहे हो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या फिर कोई दूसरा वाद्य यंत्र चला रहे हो, इवन ए गॉसिप, या फिर हम छोटी सी गपशप कर रहे हो, और ए चिटचैट इन ए कंपनी, या किसी ग्रुप में बैठ के बातचीत कर रहे हो, ऑल आर हार्ड एट ए वेरी हाई पिच, आप हम में से हर एक को तेज ध्वनि का जो स्तर होता है, पिच यानी स्तर, एक तेज स्तर पर ही हम आपस में बात करते हुए, रेडियो चलाते हुए, टेलीविजन चलाते हुए देखे और सुने जा सकते हैं। वे मे बी यूज्ड टू इट, बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, हालांकि हम ये भूल जाते हैं कि चलो हमें तो आदत पड़ गई है तेज आवाज में रेडियो, टीवी, सीडी प्लेयर, गाने सुनने की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास में और भी लोग रह रहे हैं, अवर नेबर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, ये भी तो हो सकता है कि जब आप तेज आवाज पर डीजे, सीडी प्लेयर या टेलीविजन चला रहे हो, तो आपके पड़ोस में जो विद्यार्थी हो, कोई गहन किस्म का विद्यार्थी हो, बहुत गहनता से अध्ययन कर रहा हो, अ सिक पर्सन, एक विद्यार्थी क्यों, वो एक बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, अ पीस लविंग बींग, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपके विपरीत, आपको शोर पसंद है, बहुत तेज आवाज पसंद है, लेकिन उस बेचारे को शांति पसंद है, तो इनमें से कोई एक हो सकता है। Have we ever thought of him? राइटर कहता है अगर हम अपने गिरेबान में जाके देखें और अगर अपने मन से पूछें, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया? नहीं। How much agony? Agony यानी तकलीफ, पीड़ा। How much agony do we cause to him or her? तो अंदाजा लगाइए कि इतने समय में कितने ज्यादा जो तकलीफ, जो दुख है, वो हमने अपने पड़ोसी को पहुंचाया होगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परमेंट डज नॉट क्वारल विद अस एंड सफर्स इन साइलेंस। ये भी हो सकता है कि वो आपका पड़ोसी जो इतने लंबे समय से आपकी इस अशिष्टता, बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा हो, वो कोई बड़ा ही सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति हो, इसीलिए वो आज तक आपके घर में आगे लठ नहीं बजा के गया। वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जूत बजा देते हैं आगे कि ले बेटा चला और तेज आवाज में। लेकिन राइटर ये कहता है कि अगर वो बेचारा कोई बहुत ही शांत किस्म का व्यक्ति है, तो वो आपकी इस बदतमीजी के ऊपर चुप रहेगा, आपसे आगे शिकायत नहीं करेगा, आपसे क्वारल, कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन बेचारा अकेले आप अपने आप में वो अंदर घुटता रहेगा और इस पीड़ा को भुगतता रहेगा। द पुअर फेलो शट्स द विंडो, वो बेचारा क्या करने के, वो क्या करने का प्रयास करेगा, अपनी खिड़कियों को कस के बंद कर लेगा, एंड डोर्स, दरवाजों को बंद कर लेगा, एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेस, और तीव्र स्तर पर बजने वाली आवाजों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने कानों के अंदर रुई भी ठूस सकता है। व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, राइटर कहता है कि हम शहर में तो बस गए हैं, गांव से निकलकर, कस्बों से निकलकर और जंगलों से, आदिवासी इलाकों से निकलकर, लेकिन राइटर कहता है कि ये जो शहरी शिष्टाचार होता है, ये साधारण सी जो शहरी समझ है, ये हम लोगों में कब आएगी? हम जंगलों की तरह अभी भी यहां पर आके जंगली जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे गांव के अंदर तो हम तेज आवाज में कोई चीज चलाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूर दूर तक हमारे आसपास लोगों की भीड़ नहीं होती है। सब लोगों के घर दूर दूर बने हुए होते हैं और डिस्टेंस में बने होते हैं और खुली जगह होती है, लेकिन जहां आसपास बिल्डिंगें ज्यादा होती है, वहां पर जो आवाज होती है उसे इको यानी कि गूंज मिलती है, और उससे आवाज और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, डॉपलर इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे बहुत तेज धमक और
सामने वाले को बहुत परेशानी होती है, लेकिन हम अपने जो पूर्वजों के वो जंगली संस्कार, जो तरीके हमारे जंगल में गांव में रहने के, उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी, राइटर कहता है कि उससे आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई शादी की परंपरा हो और एनी अदर फंक्शन, या फिर कोई दूसरा समारोह, और रिचुअल और ए प्रेयर, कोई छोटी सी हमारी जो धार्मिक संस्कार है वो चल रहा हो, या फिर कोई प्रार्थना की बात हो, मंदिर में पूजा है, मस्जिद में अजान, देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ हियरिंग A loud speaker to be used the loudest besides engaging a band and other means of producing sound. Writer कहता है कि या तो हम क्या करेंगे, मंदिरों मस्जिदों के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर जंगलियों की तरह हम लाउड स्पीकर बांध देते हैं, और उसके भी अलावा कई बार उसके साथ साथ क्या करते हैं, बड़े बड़े बैंड ले लेते हैं, ब्रास बैंड जो आता है जिसमें वो बाजे वाले आगे बजाते हुए चलते हैं, और इस तरीके से कान फोड़ जो संगीत पैदा करती हुई आवाज है, ये हमारे सारे क्रियाकलापों में देखी जा सकती है, चाहे हम शादी कर रहे हो या घर के अंदर कोई छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हो, या फिर कोई छोटी सी धार्मिक रीति रिवाज या संस्कार पूरा कर रहे हो, या फिर हम अपने भगवान अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हो। राइटर कहता है कि ये जो हमारा जंगलियों वाला तरीका है, ये अक्सर करते हुए देखा जा सकता है। द पिच इज कैप्ड सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स। राइटर कहता है कि आवाज का स्तर इतना ऊंचा रखा जाता है कि जो बेचारा संवेदनशील व्यक्ति होता है उसको तो इससे आघात लग सकता है, झटके लग सकता है, सदमा लग सकता है। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग शेक एंड द इंप्रेशन इज गैदर्ड दैट द में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस। और राइटर कहता है कि जब से, फॉर इंस्टेंस, हमें समझ लें कि हमारे देश में डीजे के लिए जो बड़े बड़े डीजे के नाम पर जानवरों की तरह बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जो कि असल में जिन कंट्री में डीजे का इन्वेंशन हुआ था वहां वो एक बंद हॉल के अंदर चलाए जाते हैं और लोग अपनी मर्जी से वहां पर जाते हैं और अपनी मर्जी से बाहर निकल जाते हैं, किसी दूसरे के लिए उसे समस्या बना के पैदा नहीं किया जाता। लेकिन हमारे यहां पर लोग मूर्खों की तरह 10-10 बड़े बड़े स्पीकर रख लेते हैं और फिर अंधाधुंध गति से उसको चलाना बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं। तो राइटर कहता है कि कई बार इन स्पीकर्स की आवाज इतनी विध्वंसकारी और इतनी शेक करने वाली यानी गुंजाने वाली होती है कि इस आवाज का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव से कई बार ईंटें और पत्थर की जो इमारत है वो इमारत भी पूरी तरीके से धाराशायी यानी कि कोलैप्स हो सकती है। द व्हीकल्स especially the trucks make living unbearable, even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly and that too often without any reason। राइटर कहता है कि अब गाड़ियों के बारे में आते हैं तो डीजे और स्पीकर्स की बात हुई। राइटर कहता है कि जब हम ट्रक्स की बात करें, बसेस की बात करें, कार की बात करें, और आजकल तो टू व्हीलर में भी लोग दो दो तीन तीन हॉर्न लगा लेते हैं, तो राइटर कहता है कि हमारे यहां पर ऐसे जो राइडर्स और जो ड्राइवर्स होते हैं वो लगातार ऊंचे स्तर पर उन हॉर्न्स को लगातार बजाते हैं, और वो भी अधिकतर बिना कारण के। बिल्कुल फैक्ट है, हम अक्सर देख सकते हैं ये लोग जंगलियों की तरह गलियों में से तेज आवाज के जो हॉर्न्स होते हैं उनको बजाते हुए ले जाते हैं। द नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस। लेकिन राइटर बता दे कि जो नॉइज पोल्यूशन है वो केवल तभी पैदा होता है जब आपके अंदर शहरी समझ का अभाव हो, एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और सामाजिक व्यवहार आपका लापरवाही पूर्ण हो, मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आर पीपल एट लार्ज एंड इफेक्ट्स अवर एफिशिएंसी। राइटर कहता है कि इससे यह फर्क पड़ता है कि जो लोगों की संवेदनशीलता होती है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है, और इसका जो प्रभाव है वो हम लोगों की निपुणता पर भी पड़ता है। यानी अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रहा है, तो उस बेचारे की जो निपुणता है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उस पर पूरा फर्क पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ में राइटर ने बताया कि पहली तो अशिष्टता और असामाजिक तरीका हम लोगों का है नॉइस पोल्यूशन, सेकंड नंबर पे आते हैं ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरा हमारा जो गंदगी फैलाने का और असभ्यता दिखाने का तरीका है, माध्यम है, वो है सार्वजनिक यातायात के साधन, ट्रेन, बस, ये सारी चीजें। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। राइटर कहता है क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर लोगों का हमारा देश नहीं है, तो अधिकतर जो हमारे लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस। और इस ट्रेन और बस की यात्रा करते हुए टाइम कई बार हमने कड़वे और दुख भरे जो अनुभव है वो प्राप्त करे हैं। Orderly queue system at the time of either purchasing the tickets or boarding the train, bus is rarely followed. Writer कहता है किसी सभ्य तरीके से हम अपने देश में ट्रेन भी ले आए, बस भी ले आए, लो फ्लोर बस भी ले आए, सारी चीजें ले आए, लेकिन राइटर कहता है कि चाहे वो टिकट खरीदने की बात हो, बस की टिकट विंडो या ट्रेन की टिकट विंडो, या फिर ट्रेन और बस में चढ़ना हो, बोर्डिंग जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका मतलब होता है ट्रेन, बस, जहाज पर सवार होना। तो राइटर कहता है कि चाहे हम टिकट खरीद रहे हो, चाहे हम ट्रेन या बस में सवार हो रहे हो, राइटर कहता है कि एक दुर्लभ रूप से ही
एक दुर्लभ रूप से ही आपको कहीं पर एक कतार लगी भी दिखाई देगी, वरना लोग जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे होंगे और पहले में करके एक दूसरे से अफरा तफरी मचा रहे होंगे। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लोट्स द जेन्यून राइट्स ऑफ अदर्स। हर एक व्यक्ति जो लाइन के अंदर होगा वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ की खातिर दूसरे लोगों के जो सच्चे अधिकार होते हैं, जैसे मान लो कोई अपाहिज व्यक्ति है तो पहला अधिकार उसका बनता है कि वो चढ़े, कोई ब्लाइंड पर्सन है, कोई विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है, देख नहीं सकता, तो उसका पहला राइट बनता है कि वो विंडो पर जाए। लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई चीज ही नहीं है। राइटर कहता है कि हम अपने खुद के स्वार्थ, अपने निजी अधिकारों की खातिर दूसरे लोगों के जो सच्चे अधिकार होते हैं हम उनको फ्लोट्स यानी कि दरकिनार कर देते हैं, खराब कर देते हैं। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. Writer कहता है कि उससे भी सबसे बड़ी असभ्य और जंगली आदत हमारी क्या होती है, वो ये होती है कि अक्सर कई बार हम ये देखते हैं कि ट्रेन और बस पर तो लोग बैठ जाते हैं, फिर बगल में भले ही खाली सीट पड़ी हो लेकिन अगर उस पर कोई सवारी आना चाहती है तो बड़े ही अनिच्छा पूर्वक तरीके से हम उस आदमी को उस सीट पर बैठने की आज्ञा देते हैं। When they do so, they grab about half of that vacant seat also. लेकिन जब ऐसे लोग उस दूसरी सवारी को बैठने के लिए जगह देते हैं तब भी क्या करते हैं, उसकी सीट के आधे हिस्से को कब्जा लेते हैं। The thought of giving help to other needy ones rarely stirs them. राइटर कहता है कि हम जैसे जो ऐसे लोग होते हैं उसमें असल में दूसरे जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन लोगों के एक मामूली सी उसकी जो अधिकार में जो मदद बनती है, जो हमें करनी चाहिए, वो भी हमको क्या करती है, अंदर से झिंझोड़ नहीं पाती है। भले ही कोई अपाहिज हो लेकिन हम उसको बैठने के लिए आधी सीट ऑफर करेंगे, हालांकि वो भी ऐसा नहीं दें, बिल्कुल ऐसी कोशिश भी करेंगे। Some people are fond of chewing beetles and tobacco. अब आती है उन लोगों के बाद, राइटर कहता है कि बहुत सारे अधिकतर जो हम भारतीय हैं वो सुपारी और तंबाकू चबाने के शौकीन हैं। They spend and spit frequently all around, showing no respect for public property. ऐसे जो 99 यानी कि अधिकतम जो लोग होते हैं वो जंगलियों और सभ्यों की तरह इधर उधर थूकते रहते हैं और जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन ही हो, उसके प्रति वो कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं। हालांकि ऐसे लोग अपने घर की दीवारों पर नहीं थूकते हैं, अपने घर के फर्श पर नहीं थूकते हैं, अपने घर के कोनों में नहीं थूकते हैं, अपने घर के किचन में नहीं थूकते हैं, लेकिन अगर वो चीज बस, ट्रेन या फिर सार्वजनिक की जगह है तो वहां पर वो किसी ऐसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस। ऐसे असभ्य और जंगली लोग ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने ट्रेन या बस का टिकट सिर्फ उसमें यात्रा करने के लिए खरीदा है, उसके स्वरूप को स्पॉइल यानी बिगाड़ने के लिए नहीं। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. ऐसे असभ्य लोग उनकी जहां मर्जी होती है वहां पर कूड़ा और जो बचा हुआ खाना होता है leftovers, उसको जहां उनकी इच्छा होती है वहां पर फेंक देते हैं। Our public transport, our roads and streets, our public places and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and That tells upon our health and vigor. राइटर कहता है कि हमारी जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी गलियां हैं, जितने भी यातायात के सार्वजनिक संसाधन हैं, जितनी भी सार्वजनिक स्थान हैं, जितने भी सार्वजनिक इमारतें हैं, वो सारी बुरी तरीके से आपको गंदगी से अटी पड़ी, गंदगी से भरी पड़ी दिखाई देंगी और जो बदबूदार फेंके हुए सामान है, स्टिंकिंग रिफ्यूज, उनसे अटी पड़ी दिखाई देंगी। लेकिन इनका फर्क हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और हमारी जो विगोर यानी कि जो शक्ति होती है, जोश होती है, उसके ऊपर भी पड़ता है। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health, we do not notice any slump in the sale of cigarettes or bidis. Statutory का मतलब होता है वैधानिक और slump का मतलब होता है गिरावट यानी कि कमी। राइटर कहता है कि यद्यपि जो सिगरेट और बीड़ी के डब्बे होते हैं उन सबके ऊपर एक वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि जो धूम्रपान होता है वो सेहत के लिए जानलेवा यानी कि नुकसानदायक होता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद बीड़ी और सिगरेट की जो सेल है, जो बिक्री है, उसके अंदर कभी भी कोई भी गिरावट नहीं देखी गई। हालांकि सबसे मेन पॉइंट की ये बात है कि बीड़ी और सिगरेट वही सरकार बनवा के अपने लोगों में बिकवाती है जो इसके बारे में प्रचार करती है कि धूम्रपान लोगों के लिए नुकसानदायक है, यानी एक तरफ से बनवाना भी उन्हीं का है और फिर ये दिखाने के लिए वो पाखंड के लिए खर्चा भी करते हैं कि स्मोकिंग जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर उसके लिए हेल्थ बजट भी जाली जारी होता है ताकि उनके मिनिस्टर्स को पैसा खाने का मौका मिले। तो ये लोगों को समझदार होना चाहिए। द बीड़ी इज द स्मोकर्स इन देयर ओन enjoyment, do not think of the people around them. Writer कहता है कि फिर उससे भी जो बदतर होते हैं, सरकारों से बदतर जो होते हैं, वो स्मोकर्स यानी कि धूम्रपान करने वाले होते हैं। अपने खुद के धूम्रपान के enjoyment, आनंद के अंदर वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके पास दूसरे सामान्य लोग भी हैं जो धूम्रपान पसंद नहीं करते हैं या फिर जिन लोगों को उससे समस्या हो सकती है।
समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग. कई बार तो ये होता है कि ऐसे धूम्रपान करने वाले लोगों की व्यक्तियों की वजह से जो आसपास का वातावरण होता है किसी बस का या किसी ट्रेन का या किसी ऐसी बंद जगह का वो बिल्कुल असहनीय, बिल्कुल सांस लेने के लायक नहीं रहता. पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म. एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जब कोई आदमी खुद अपने आप स्मोकिंग कर रहा है, और पैसिव स्मोकिंग वो होती है जब उसके पास में कोई खड़ा होकर उस धुएं को अपने अंदर पी रहा होता है सांस के द्वारा. अब एक्टिव स्मोकिंग इसलिए कम हानिकारक होती है क्योंकि जो सिगरेट होती है, सिगरेट के पीछे जो लास्ट में एक फिल्टर दिया गया होता है, वो फिल्टर काफी हद तक जो निकोटीन होता है उसको रोक लेता है. पहले फिल्टर सफेद होता है, सिगरेट खत्म होने के बाद वो पूरा येलोइश डार्क येलो कलर का और ब्राउन कलर का हो जाता है, तो काफी निकोटीन फेफड़ों में जाने से बच जाता है. लेकिन जो पर्सन उस धुएं को सूंघ रहा है वो डायरेक्ट उसके नाक से उसके फेफड़ों तक जा रहा है, तो इसीलिए पैसिव स्मोकिंग ज्यादा नुकसानदायक कही जाती है. अब उसके बाद में हम आते हैं थर्ड नंबर पर, ट्रैफिक सेंस पर, कि सड़कें हमारे पास बन गई हैं, कहने के लिए हमारे पास मेगा हाईवे भी है, 6-6 लेन के हाईवे भी हैं, लेकिन ट्रैफिक तो वही रहेगा ना जो चलाने वालों की समझदारी पर डिपेंड करेगा. वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मीन फॉर अस ओनली. पहली हम भारतीयों की सबसे गंदी आदत है कि हम सड़क का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं जैसे वो सड़कें केवल हमारे ही उपयोग के, यानी एक अकेले आदमी के उपयोग के लिए बनी हो. वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसीडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री. फिर सबसे पहली बात, यातायात के को भंग करना, फिर ड्राइविंग रैशली यानी कि ऊटपटांग तरीके से गाड़ी को चलाना, हमारे यहां पर इसे गैलेंट्री यानी बहादुरी का एक चिन्ह समझा जाता है कि अगर कोई लड़का गधों की तरह साइलेंसर को फाड़ के और आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाता है तो वो उसमें अपना मूर्ख जो है वो अपनी बहादुरी समझता है. दो व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कार्स. लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा होगा कि इस प्रकार के जो घटिया किस्म के बाजारू लड़के होते हैं जो सड़कों पर इस तरह की गाड़ियां चलाते हुए मिलेंगे, क्या कभी हमने आज तक न्यूज में पढ़ा है कि उसने भाग के किसी चेन स्नैचिंग वाले लड़के को पकड़ लिया, या उसने किसी पुलिस वाले की मदद करी किसी चोर का पीछा करने के लिए, या उसने किसी चुराई हुई गाड़ी वाले का पीछा किया उसे पकड़ लिया? बिल्कुल भी नहीं. राइडर कहता है कि असल में जो खोखले बहादुर बने फिरते हैं ये असल में सबसे बड़े नाकारा साबित होते हैं जब इस प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है तब. द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड. हमारे यहां का जो नकारा किस्म का भी मॉडर्न यूथ जो नौजवान युवा कहलाता है, दूसरे देशों में तो हो रहे होंगे दूसरे टाइप के युवा जो मेडिसिनल खोज कर रहे हैं, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट पढ़ रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न यूथ है उसका एक सबसे बड़ा बेवकूफी का काम यह है कि वो तेज गति में गाड़ी चलाने को अपनी बहुत बड़ी शेखी समझता है. दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग. जो बेसिक यातायात के नियम होते हैं मूलभूत, वो उसको भी अनदेखा करता है, सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल. उसमें इतनी भी तमीज नहीं हमारे यहाँ गाड़ी चलाने वाले नवयुवा के अंदर कि गाड़ी को कब मोड़ना है, कब किसको ओवरटेक करना है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है. उसको तो गधे की तरह अपनी गाड़ी बस निकालने से मतलब है. ड्राइव इन प्रॉपर लेन्स व्हेन टू टेक ए टर्न डिसऑबिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स. तो यानी ये उसकी खासियत है कि ना तो उसे टर्न लेने का बताया कि कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, किस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल्स की पालना करनी है, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, अपनी गाड़ी को किस तरीके से मेंटेन रखना है, एंड स्मोकलेस, वो धुआं भी नहीं उड़ाती हो, पोल्यूशन भी नहीं मचाती हो, ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स एटसेट्रा, और कौन सी लेन में हमें गाड़ी चलानी होती है, कितनी स्पीड में. ये हमारे यहाँ के जो बेवकूफ युवा है उनको इस बात का कोई भी ध्यान नहीं है और ना वो रखना चाहते हैं. द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ. और इसका एक ही रिजल्ट निकलता है कि जान को खतरा होता है. लेकिन अधिकतर ऐसे जो घटिया किस्म के जो चालक होते हैं उनकी जान को कभी खतरा नहीं होता, अलबत्ता ये सड़क पे चलने वाले दूसरे व्यक्ति की जान जरूर लेते हैं. इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड. राइटर कहता है कि ऐसे मूर्ख जो चालक होते हैं उनकी बेवकूफी सिर्फ उनको नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उनके चारों तरफ जो लोग चल रहे होते हैं उनके लिए भी वो खतरा बनते हैं. इन फैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मेनी सेंसिटिव बींग. राइटर कहता है कि हमारे यहां सड़कों पर चलना इतना खतरनाक, इतना ड्रेडेड भयावह हो चुका है और इतना असुरक्षित हो चुका है कि अगर कोई बेचारा संवेदनशील बाड़ी मानो कोई बाहर से आया हुआ है और जिसको लेन में चलाने की और एक सही तरीके से स्पीड में गाड़ी चलाने की आदत है तो उस बेचारे की जो नसें और जो पूरी दिमाग का तंत्रिका सिस्टम है वो तो बुरी तरीके से हिल जाएगा इन लोगों की ड्राइविंग को देख के. God knows what calamity may happen the next moment. Writer कहता है कि हमारे यहाँ सड़कों की इतनी बदतर स्थिति है कि भगवान ही जानता है कि अगले ही पल ना जाने कौन सी दुर्घटना कैलमिटी घट जाए. द पिटी इज देयर. राइटर कहता है कि इससे भी दयनीय बात क्या है. सबसे दयनीय बात यह नहीं कि ये लोग इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, सबसे दयनीय बात यह है देयर इज नो कंट्रोल और एनी सच थिंग, कि हमारे देश में इस प्रकार की रोकथाम करने के ऊपर कोई भी तरीका नहीं है. पुलिस वाला खड़ा है, अगर उसके हाथ देने पे कोई रुक जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 110 की स्पीड में कोई ड्यूक बाइक चला के निकल जाए तो पुलिस वाला कभी उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाता. अगर कोई किसी को टक्कर मार के भाग जाए वो उसका पीछा करने की कोई जहमत नहीं उठाता. कोई उस
आदमी का नंबर नोट कर ले, पुलिस को दे दे, तो पुलिस उसी को फंसाने के पीछे तुल जाती है और उसी के पीछे पड़ जाती है कि तू ही बता कौन था, कहां था और कैसा था और गवाही देने कोर्ट में आ। तो राइटर कहता है कि यही सबसे दयनीय हमारे यहां पर बात है कि इस प्रकार के लोग हैं, हर देश में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ज्यादा तेज गाड़ी या फिर दारू पी के गाड़ी चलाने वाले लोग मौजूद है। हर कंट्री में यह होता है, लेकिन उस देश में पुलिस भी होती है और पुलिस प्रॉपर तरीके से काम करती है। लेकिन हमारे देश में सबसे बदतर और दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहां पर ऐसे लोगों को कोई भी रोकथाम करने वाला नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल एमिट स्मोक, अधिकतर हमारे यहां जो मालवाहक वाहन होते हैं वो बड़ी तीव्र गति से धुआं का उत्सर्जन करते हैं, टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग्स। यहां तक कि वो इतना धुआं उड़ाते हैं कि आसपास के जो जीव जंतु है, यानी जीव जंतु में इंसान और बाकी के सारे जानवर भी आ गए जो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, उन सबके लिए वातावरण को बिल्कुल असुरक्षित बना देते हैं। पीपल प्ले देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड। फिर हमारे यहां पर जो ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनको अधिकतम ओवरलोड ही चलाया जाता है, विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। और इसका अधिकतम एक ही सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि वो कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार हो भी सकते हैं और दूसरों को बना भी सकते हैं। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वॉन्ट, सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड थस प्लेइंग विद लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल। राइडर कहता है कि फिर इस टाइप के जो ओवरलोडेड व्हीकल होते हैं वो इस तरीके से अन्य वाहनों को ओवरटेक करते हैं, उनको पास करते हैं, जी वो जो ट्रैफिक के बेसिक रूल होते हैं कि कहां से कट कट लेना है, कहां से नहीं लेना है और कितनी हल्की गाड़ी को जाने देना चाहिए और कितने भारी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, वो इन सारी चीजों की अनदेखी कर देते हैं और इस तरीके से जो बेचारे निर्दोष लोग होते हैं उनके जीवन से वो साफ साफ खेलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरलोड व्हीकल हमारे देश में चलते हैं, लेकिन सबसे बदतर स्थिति वही है कि इनकी रोकथाम करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ओवरलोडेड जो ट्रक है वो पुलिस को साफ दिखते हैं, लेकिन हमारे यहां ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो सब इनसे हफ्ता खाते हैं और ट्रक इसी तरीके से हमारे देश में चलते रहते हैं। अब ट्रैफिक सेंस के बाद में अगली चीज हमारे पास आती है, गलती से इसमें थर्ड मार्क करके रोमन लेटर में, ये असल में हमारा फोर्थ टॉपिक है। फोर्थ नंबर पे एनक्रोचमेंट, यानी कि अतिक्रमण, तो वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन चुका है। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड इज वेरी ऑफन कैप्ट द सब्जेक्ट फॉर डैब्स इन मैनी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। राइटर कहता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं जहां पे अधिकतम जब भी कोई डिबेट, जब भी कोई वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाती है तो उसमें एक कथन रखा जाता है, एक डायलॉग रखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि कलम की ताकत एक तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। यानी कि जो एक कलम है वो एक तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन ये सभ्य देशों में होता होगा, ये शिक्षित देशों में होता होगा, ये समझदार देश के लोगों के बीच में होता होगा, लेकिन हमारे देश में ये बिल्कुल भी नहीं है। इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। राइडर कहता है कि हमारे देश में तो उल्टा राग चलता है, हमारे देश में जो दिमाग की ताकत होती है उससे कहीं ज्यादा बाजुओं की ताकत यहां पर किसी पुरुषार्थ की या किसी मर्द की बात नहीं हो रही है, यहां सबसे बड़े नामर्दों और सबसे बड़े कायरों यानी कि गुंडों की बात हो रही है। जो लोग अपने गुंडे इकट्ठा कर सकते हैं, 50 आदमियों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, 100 आदमियों की 100 अपने चमचों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, ये मसल पावर उन लोगों के लिए यूज हुआ है। यहां पर मसल पावर का मतलब किसी आदमी की अपनी निजी ताकत से नहीं है, यहां गुंडागर्दी से है। And it has been so sincere. और राइटर कहता है ये परंपरा हमारे देश में को दो पांच साल से नहीं, ईयोन यानी कि युगों युगों से चली आ रही है, और उसके लिए घटिया सा डायलॉग भी बना रखा है संसद का कि समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। तो इस घटिया सी कहावत के दम पर इस देश की जो सरकारें हैं वो सदियों से 70-80 साल से इस देश को घसीट रही हैं, चलती हैं, और जनता जो है वो इसको झेलती बर्दाश्त करती है कि जो समर्थ है उसकी तो कोई गलती नहीं है भैया, वो तो गुंडे भी बुला सकता है और एक आदमी को पकड़ के उसके जूते भी मार सकता है और उसकी जान भी ले सकते हैं। तो हमारे यहां देश में एक कॉमन चीज हो चुकी है कि जो कलम की ताकत है वो पढ़े लिखे देशों में लोगों में होती है, लेकिन हमारे यहां तो पढ़े लिखे ऐसे अनपढ़ लोग हैं जिनके लिए उस लिखे हुए अक्षर जो है वो काला अक्षर भैंस बराबर ही है। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज। राइटर ये भी कहता है, साफ बात स्पेसिफिक पॉइंट आउट करता है कि हमारे देश में अधिकतर वो लोग जो ताकतवर होते हैं यानी जिनके पास में मैन पावर जुटाने की क्षमता होती है वो असल में क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में नेता होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, भले ही वो छोटा सा गली का कोई पार्षद या फिर कॉपरेटर क्यों ना हो, वो सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अपने बाप की संपत्ति समझता है। मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग दे ग्रैब व्हाटएवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। एक समय के अंतराल के अंदर जितने से जितनी ज्यादा सार्वजनिक संपत्ति को वो अंदर अपना हड़पना चाहते हैं वो उतनी को हड़प लेते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत वो एक छोटी शुरुआत से करते हैं, जैसे गली के जो सड़क के बाहर है यानी कि प्लॉट के बाहर की जो प्रॉपर्टी है जिसमें लोग अक्सर
टू व्हीलर व्हीलर बाहर लाके खड़ा कर देते हैं, रात को अंदर कर लेते हैं, तो बाहर का जो स्लोप है उसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, जहां पर फूल फाल उगाए होते हैं, क्यारी बाहर गार्डन बनाते हैं, फिर उस गार्डन को तोड़कर वहां पर दुकान खड़ी कर लेते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे करके समय अंतराल के अंदर पूरी जो निजी संपत्ति उसको बना लेते हैं, थस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लेकिन जब ये ऐसे घटिया लोग ऐसा काम करते हैं तो ये असल में जो सभ्य लोग हैं, जो सभ्य नागरिक हैं या फिर जो कानून को मानने वाले नागरिक हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये भी हमारे देश की एक कॉमन समस्या है। द फुटपाथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर ड्वेलिंग। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये गुंडागर्दी और ये जो चोरी चकारी हमारे देश में जो छिजोरा बने, ये सिर्फ नेताओं और घरों के आगे तक सीमित नहीं है। हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से सड़क के किनारे फुटपाथ बना के अपने छुट्टी कर लेती है कि हमने तो फुटपाथ बना दी, अब इसके ऊपर कुछ लोग सोने के लिए पसर जाते हैं, कुछ लोग अपनी दुकानें लगा लेते हैं, पहले अस्थायी दुकान होती है फिर उसको परमानेंट कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग वहां पर अपना बिस्तरा बिछा के उसे सोने की जगह बना लेते हैं। तो ये सारी जो हमारे यहाँ चीजें हैं ये फुटपाथ पर इस तरीके से अतिक्रमण कर लेती है। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स। फिर सबसे जो हमारे देश के लोगों का सबसे निम्नतम किस्म का हथियार है वो होता है धर्म। हमारे देश में लोग अपने धर्म को एक घटिया हथियार की तरह यूज करते हैं, सड़कों को हथियाने के लिए, फुटपाथ को हथियाने के लिए, घर के आगे की जगह को हथियाने के लिए। राइटर कहता है कि धर्म के नाम पर हमारे देश में इतने घटिया लोग मौजूद हैं कि अक्सर जो मेन रोड होती है, मुख्य सड़क होती है, वहां पर कोई किसी मंदिर को गाड़ देगा, कोई एक उसमें केसरिया रंग पोत के वहां बालाजी की मूर्ति गाड़ देगा, कोई वहां पर किसी की मजार बना देगा, और जो सरकारी संपत्ति और जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति कहना गलत है, कुछ भी सरकारी संपत्ति नहीं है, जो सरकार की है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उस पब्लिक प्रॉपर्टी को वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से हड़प लेते हैं, और कोई कुछ नहीं कर पाता इस देश में, क्योंकि यहां धर्म सबसे ज्यादा स्ट्रांग पावर बन के बैठी है। सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउस शॉप्स ऑन देयर परचेस्ड पीस ऑफ लैंड बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग गार्डन्स और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री। जैसे कि मैंने अभी बताया वही वाली बात है, ये किसी का घर हो गया, घर के आगे का ही गेट हो गया, तो पहले तो वो स्पोर्ट्स को आधे से लंबा कर लेगा, ये जा रही है सड़क, तो सड़क में पहले तो अपने स्पोर्ट्स को आगे कर लेगा, फिर यहाँ पे दो चार पेड़ उगाएगा, फिर उसको गार्डन बना लेगा, और फिर गार्डन बनाते बनाते धीरे करके यहाँ पर भी अपने कमरे या फिर दुकान खड़ी कर देगा, और इस तरीके से जो सड़क का हिस्सा है फिर यहाँ पे अपने पोर्ट्स को निकाल देगा, तो आधी जो सड़क है आधी से ज्यादा सड़क वो लेके चला जाएगा। हु इज देयर टू चेक एंड थॉट देयर डिजाइन। राइटर कहता है कहने के लिए इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नाम लेने के लिए बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन कौन इनमें से ऐसा है जो ऐसे लोगों की हरकतों को चेक यानी कि रोके, या फिर उनको पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दे, व्यर्थ कर दे? क्या इन लोगों के इस चीजों को निष्क्रिय करने के लिए बैठा? कोई नहीं बैठा है। यहां पर जो कार्रवाई होती है वो सबसे कमजोर आदमी पर होती है, नन। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे लोगों की कार्रवाई को रोक सके। ये प्रैक्टिकल बात है, सच्चाई है। तनके खड़े होने से, खाली जनमनगण गाने से कुछ नहीं होता है। बाकी जो रियलिटी है वो राइटर हमारे सामने रख रहा है। अ स्मॉल बिगनिंग मेड अनडेटर्ड ग्रोज इनटू ए बिग मीनेस टू ऑल अदर्स एक्सपेक्ट एक्सेप्ट टू दोस डूइंग दिस। राइटर कहता है इस तरीके से एक छोटी सी शुरुआत करके ये लोग एक घटिया सी छोटी सी शुरुआत करते हैं, और ये घटिया छोटी सी जो शुरुआत है ये पूरी तरीके से उस समाज के लिए, उस सड़क के लिए एक मीनेस यानी कि चेतावनी बन जाती है, और ये बाकी सारे लोगों के लिए खतरा बनती है। सिर्फ किन लोगों के लिए खतरा नहीं बनती है? जिन लोगों ने इस घटिया हरकत की शुरुआत करी है। इनके अलावा इस सड़क पर जितने भी आने जाने वाले हैं उनके लिए खतरा ही है। अब इसके बाद में फिफ्थ नंबर पर जो हमारी आती है, ये असल में फिफ्थ पॉइंट है, वो है क्लीनलीनेस, वो है स्वच्छता। अब कहने के लिए तो हम कैसे सोचें कि भाई हमारे देश में गंदगी हो सकती है? वो देश जिसमें कहने के लिए बड़ी बड़ी कहावतें बनी है सफाई को लेकर, कि जहां साफ सफाई होती है वहां पर भगवान निवास करते हैं, कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, तो कहावतें तो हमारे देश में बड़ी बड़ी हैं, बट रियलिटी में झांक के देखते हैं कि हमारे गिरेबान में क्या है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। राइटर कहता है कि कहने के लिए कहावत है, हर भाषा में एक कहावत है, कि जहां सफा स्वच्छता बसती है वहां पर देवता निवास करते हैं। दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एज्ड नाउ। लेकिन राइटर कहता है कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज कोई बहुत प्राचीन काल की हो चुकी है, जैसे डायनासोर्स, जैसे डायनासोर्स के केवल अवशेष दिखाई देते हैं। मेरे को लगता है कि जो सफाई है, राइटर को लगता है वो भी इस देश में अवशेष के तौर पर ही है, कि कोई कचरे का ढेर खोदेगा और तब उसको पता चलेगा अरे यार यहां पर तो कभी झाड़ू भी लगा करता था। वी आर सो यूज टू अनक्लीन that it does not seem to affect our senses, leave aside annoying us. Writer कहता है कि हम भारतीय तो ऐसा लगता है कि गंदगी में इतने सन चुके हैं, गंदगी के इतने आदी हो चुके हैं, कि अब
तो जो हमारे सेंसेस जो इंद्रियां हैं उनको इस गंदगी से कोई भी फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वेयर एवर वी लाइक, हमारी जहां इच्छा आती है वहां हम अपना कूड़ा अपना बचा हुआ जो गंदगी होता है उसको फेंक देते हैं। मे बी रोड्स, भले ही चाहे वो सड़क हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो यातायात का कोई साधन हो दूसरों का, अपना यातायात का साधन नहीं सार्वजनिक। एजुकेशनल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बात करें तो वो तो स्कूल को गंदा करने के एम से घर से निकलते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि स्कूल की जितनी रेड मार सके कचरा फैलाकर उतना कर सके। लेकिन उसी स्टूडेंट से पूछो कि क्या तेरे घर में भी तो इस तरीके से बिस्कुट्स के खाने के रैपर इधर उधर फेंकता है? क्या जिस तरीके से बेंचेस के नीचे तुम रोटियों और सब्जियों के टुकड़े फेंक देते हो, क्या तुम्हारी मां के लिए भी अपने घर में छोड़ के आते हो? लेकिन वहां नहीं। लेकिन स्कूल में आने के बाद उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस गंदगी को कौन साफ करेगा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जहां पे भी हमारे यहां ऐतिहासिक के होती है वहां पे राजू लव्स पिंकी लिखने से कोई भी घटिया हिंदुस्तानी बिल्कुल भी नहीं चूकता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स चाहे वो सरकारी इमारतें हो, सरकार हालांकि खुद सरकारी इमारत की बिल्डिंग पे लिखती है यहां थूकना मना है, यह इस दीवार पर लिखना मना है, और ये बात भी खुद लिख के बताती है। एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वॉरशिप, राइटर कहता है और तो और छोड़ो हमारे देश की जो हालत है वो ये है कि अपने धार्मिक स्थानों को भी गंदा करने से हम लोग नहीं चूकते हैं। In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. फिर राइटर कहता है कि उससे भी जो निम्नतम किस्म की आदत है कि हमें ये तो इस चीज से बड़ा प्यार होता है कि हम अपने घर को अपने प्लॉट को अपने आंगन को बड़ा साफ रखें, लेकिन उस अपनी उस गंदी आदत, हालांकि आदत बहुत अच्छी है लेकिन ये गंदी के सेंस में हो जाती है कि जब इस काम को पूरा करने के लिए हम अपने पड़ोसी के प्लॉट में गंदगी मचाने से चूकते नहीं है, अपना कचरा उठाया और सामने सड़क पे ले जाकर दूसरे बार फेंक दिया, यानी दूसरे के घर के आगे उससे में लेना देना नहीं, हमने तो अपनी साफ कर ली। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि तुमने मिट्टी फेंक के सोचा कि यार हमने तो मिट्टी फेंकी है, मिट्टी तो मिट्टी मिल गई। राइटर कहता है कि भले ही वो आपके घर की मिट्टी क्यों ना हो, शिट ऑफ द चिल्ड्रन छोटे बच्चों की चाहे पॉटी क्यों ना हो, स्किन ऑफ द वेजिटेबल फ्रूट्स या फिर केले या और किसी सब्जी के छिलके को ना हो जिसके लिए आप कहोगे अरे यार फेंक दिया गाय खा जाएगी इसको, बहाने तो बहुत सारे हैं, और एनी अदर वेस्ट स्टफ या फिर घर का कोई भी बचावा ऐसा आपके पास में कूड़ा कबाड़ हो जिसको हमारे देश के लोग इधर उधर फेंकने में नहीं चूकते हैं। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स, राइटर कहता है कि केला क्योंकि बहुत सस्ता किस्म का एक फल होता है तो हमारे देश के जो सस्ते लोग होते हैं उनके सबसे सबसे प्रिय वो फल होता है, तो उस केले के छिलके जो हैं वो अक्सर आपको सार्वजनिक सड़कों पर देखे जा सकते हैं, विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बींग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड। लेकिन ये दो पैसे के केले का जो छिलका है जिसकी कोई हैसियत नहीं है लेकिन वो किसी एक अच्छे खासे सामान्य आदमी को एक परमानेंटली अपाहिज बनाने के लिए पर्याप्त होता है। अगर उसकी गाड़ी फिसले तो उसकी जान जा सकती है, पांव फिसले तो वह अपाहिज भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहां इतनी दूरदर्शिता होती नहीं है, अदूरदर्शिता तो हमें कूट कूट के भरी है, इस चीज से क्या होगा इतना सोचे कौन। एडेड टू दिस मैलडी, राइटर कहता है कि इस बीमारी में एक और जबरदस्त चीज है जो इस बीमारी को और बढ़ाती है, इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, ये जो सड़कों पर गाय कुत्ते सुअर इतने सारे जो आवारा स्ट्रे यानी कि जो आवारा मवेशी घूमते हुए दिखते हैं, हु स्पॉइल्स द रोड, जो सड़कों को गंदा करते हैं, हाउसेस घरों को गंदा करते हैं, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं, एंड हैम्पर्ड ट्रैफिक और पूरी तरीके से यातायात में बाधा डाल देते हैं, दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। लेकिन यही जो गाय माता और यही जो कुत्ता है ये कल को किसी एक भयंकर एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। We have become so immune against these ills that nobody sees to take a note of this. लेकिन राइटर कहता है कि हम इन सारी बीमारियों के प्रति, इन सारी समस्याओं के प्रति इतनी आदि बन चुके हैं, इन गंदी चीजों के इतने लती हो चुके हैं कि इनकी तरफ कोई ध्यान करने की हमें कभी कोई गुंजाइश होती नहीं है। Even some African countries, not to talk of the advanced countries when show on TV, seem cleaner than ours. Writer कहता है कि चलो हम African countries का उदाहरण लेते हैं, विदेशों का नहीं लेते हैं, European country का नहीं लेते हैं, वरना तो सब लोग ये कहते हैं अरे भाई साहब हमारे देश को तो आजाद हुए भी इतने ही साल हुए हैं, अभी तो हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी तो भारत बहुत तरक्की करेगा। तो राइटर कहता है हम अफ्रीकन कंट्रीज को लेते हैं जो भारत से भी बाद में आजाद हुए हैं। राइटर कहता है कि आप और किसी चीज में मत देखो, लेकिन अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की तुलना भारत की गंदगी से करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम भारतवासी अपने देश को उनसे कहीं ज्यादा गंदा और घटिया स्तर पर रखते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इफ इज ऑफ पैरामाउंट, राइटर कहता है कि पहली बात तो हमें समझना होगा कि जो स्वच्छता होती है वो सबसे उच्चतम स्तर पर रखने के लिए होती है, एंड द ऑफेंडर शुड बी डील्ड विद स्ट्रिक्टली एंड प्यूनिटी मेजर्स, और इस प्रकार की यानी कि गंदगी मचाने वाले जो ऑफेंडर्स हैं यानी कि जो उल्लंघन करता है उनके साथ में कठोरता और दंडात्मक जो कार्रवाई है वो उन लोगों के खिलाफ
करनी चाहिए। अब कहने के लिए तो हमारे यहां बड़ी स्कीम बनाई जाती है, जयपुर में ऐसे राइडर्स बनाए जाते हैं जो लोगों को थूकते हुए देखकर और उसका चालान करेंगे, लेकिन जो राइडर उसके ऊपर बैठा है वो खुद गुटखा खा के, दो पैसे का गुटखा खा के सड़क पे थूक रहा है। तो उस आदमी का क्या होगा जो खुद दूसरों को थूकने का चालान करेगा, वो खुद सड़कों पर थूकता फिर रहा है। तो साफ पता चल जाता है कि सरकार की इस प्रकार की जो योजनाएं होती है वो सिर्फ पढ़ी लिखी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए होती है, कहने के लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। अब आते हैं हम छठे नंबर पे और अपने चैप्टर के आखिरी तरीके पर, अपने हम देश के लोग क्या करते हैं। धरना बंद और रेड रोको, ये हमारे देश के लीचड़ किस्म के जो सबसे सस्ते और घटिया किस्म के नेता हैं उनका सबसे बड़े दो हथियार है, धरना बंद और रेल रोको। ये हमेशा पॉलिटिक्स राजनीति का ही हथियार है और कभी कोई अकेला आदमी अपने खुद के स्वार्थ के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ है इन चीजों को करने के लिए। द इजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज धरना और कॉल फॉर बंद और रेल रोको डेमोस्ट्रेशन। राइटर कहता है कि हमारे देश में अपने विरोध को हवा देने का यानी अपने विरोध को बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका है, या तो धरने पे बैठ जाओ या फिर बंद डिक्लेयर कर दो कि हम सब बंद कर देंगे, या फिर रेल के पटरी के आगे बैठ जाओ और रेल रोको प्रदर्शन चालू कर दो। द एजिटेटर्स जो विरोध करने वाले होते हैं, जो विरोध करने के लिए बैठते हैं, द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। राइटर कहता है कि हमारे देश में इस टाइप का जो प्रोटेस्ट करने वाले एजिटेटर्स होते हैं, जो प्रदर्शनकारी होते हैं, वो अक्सर इनमें से एक ना एक हथियार का यूज करते हैं। दीज डिवाइसेस बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस ने, ये मे है ने नहीं है, मे समटाइम्स irreparable damage to individuals। राइटर कहता है कि लेकिन इस प्रकार के ये जो हथियार अपनाए जाते हैं हमारे देश में, बाकी तो वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है, वर्ल्ड में कहीं पर भी अमेरिका में कोई ट्रेन रोक के नहीं बैठता है, ना जर्मनी में, ना फ्रांस में, ना इटली में, ये सिर्फ ये जो घटिया हरकत है हमारी देश में है कि सड़क और रोड के ऊपर धरना देके बैठ जाते हैं। रेल रोकना सबसे फेवरेट काम है, फिर भले ही कोई आदमी वहां बीमारी के इलाज के लिए जा रहा हो उससे उन बैठने वालों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन राइटर कहता है कि ये जो यंत्र, ये जो हथियार हमारे देश में तैयार किए गए हैं इस टाइप की चीजों के लिए, ये केवल इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा पैदा करते हैं और कई बार हम कह सकते हैं अधिकतर ये जो हथियार हैं ये केवल असुविधा पैदा नहीं करते बल्कि अपूर्णीय क्षति पैदा करते हैं किसी एक व्यक्ति को, कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन, और कई बार राष्ट्रीय संपत्ति तक का नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो स्वार्थी और लीचड़ नेता होते हैं उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, पुलिस की जीप जलाते हुए या एंबुलेंस जलाते हुए उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन समवन इज सीरियसली sick, other has an inescapable appointment and still another has no provisions at home. अरे राइटर कहता है कि ये घटिया लोग एक बार सोच के तो देखें कि इस प्रकार का वो धरना लगा के बैठे हैं और कोई जो बेचारा सबसे गंभीर बीमार आदमी है उसको उस पार जाना है, क्या होगा उसको? कुछ नहीं, मर जाएगा। ये भी हो सकता है कि जो बेचारा कोई उस पार जाने के लिए बैठा हुआ युवक हो उसकी जिंदगी का पहला कोई सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट उस बेचारे की जिंदगी की पहली नौकरी हो, लेकिन क्या वो अपनी नौकरी पे जाएगा? नहीं जा पाएगा, लेकिन किसे परवाह है। और ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति उस पार जाने के लिए बैठा हो जिस बेचारे के घर में खाने के लिए दाना नहीं हो और उसको वहां खरीदने जाना हो, लेकिन उसके बच्चे भले भूख से मर जाए लेकिन जो घटिया प्रदर्शनकारी है वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलने वाले हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ले लो, गुजरों का आंदोलन हुआ था जिसमें ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी गई थी। अरे बेवकूफों, कौन सा मिनिस्टर ट्रेन से जा रहा है, कौन सा प्रधानमंत्री ट्रेन से यात्रा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी जो बेवकूफ लोग होते हैं वो अपने ही जैसी जनता को परेशान करने के लिए इन सारी हथियार का यूज करते हैं, क्योंकि ये नेताओं के इन्वेंशन है, नेताओं ने बनवाया और नेता ही चलवाते हैं। वन रिमेन्स वंडर स्टक टू सी दैट समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल। राइटर ने बिल्कुल यहां पर क्लियर आउट कर दिया कि सबसे चौंकाने वाली बात, तो स्तब्ध करने वाली बात यह होती है कि जिन नेताओं को हमारे देश का सबसे जिम्मेदार माना जाता है, जो ये कहते हैं कि हम देश को, संविधान और जनता को चलाएंगे, लोकतंत्र को चलाएंगे, ऐसे जो घटिया बंद, रेल रोको और जलाने और फूकने के जो प्रोग्राम है वो सारे इन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ऑकेजनली दीज डेमोस्ट्रेशंस बिकम वायलेंट कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। डॉक्टर कहता है कि अधिकतर इस प्रकार के जो धरना प्रदर्शन है बड़ी शांति से शुरू होते हैं, लेकिन शांति से शुरू होते ही जो बड़े तरीके से हिंसक उग्र रूप धारण कर लेते हैं और फिर राष्ट्रीय संपत्ति और एक निजी व्यक्ति का, कई बार व्यक्ति की जान तक का नुकसान इस देश को दे जाते हैं। Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? तो राइटर कहता है कि क्या कोई हम ऐसा तरीका नहीं खोज सकते कि जिसमें हमें विरोध प्रदर्शन करना हो तो ना तो हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं और ना ही हमारे राष्ट्र को नुकसान हो। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा, क्या ये बात पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए राइटर कहता है, इन जापान द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री वॉन्टेड टू डेमोस्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। एक बार जापान की एक सच्ची घटना है कि वहां पर एक जूता बनाने की फैक्ट्री के कर्मचारी थे, उनका वहां से मैनेजमेंट
मैनेजमेंट प्रबंधन से किसी बात को लेकर उनका कोई विवाद था जिसके लिए वो प्रदर्शन करना चाहते थे और अपनी मांगों को मनाना चाहते थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ राइट फुट ओनली। तो उन कर्मचारियों ने यह किया, ना तो उन्होंने मशीनें बंद करी, ना उन्होंने मशीनरी को आग लगाई, ना ही किसी टाइप का पथराव वगैरह करा। उन्होंने सिर्फ ये करा कि राइट हैंड साइड के जो पांव के थे उनके सिर्फ जूते बना दिए। When the dispute was settled, they made shoes of left foot, thus completing pairs. लेकिन जब उनका विवाद मैनेजमेंट प्रबंधन के साथ सफल हो गया, उन्होंने वो सारी उनकी मांगे मान ली, तो उस कर्मचारियों ने जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पांव था उसके सारे जूते तैयार कर दिए और इसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड के जूते तैयार करते ही जो पहले राइट हैंड साइड के जूते बनाए थे उनके जोड़े तैयार हो गए। It caused inconvenience to none and the initial loss to the owners was made to good a little later. लेकिन इस सारे जो क्रियाकलाप ये जो कर्मचारियों ने करा इससे किसी का नुकसान हुआ ही नहीं, क्योंकि ना तो कर्मचारियों को अपना काम छोड़ के घर बैठने की जरूरत पड़ी क्योंकि उनको तनख्वाह अपनी मिलती रही, वो काम पर आते और वो जूते बनाते रहे। लेकिन जो राइट हैंड साइड के खाली उन्होंने जूते बनाए वो कंपनी मार्केट में बेच नहीं सकती थी, यानी उनका जो माल था वो बिल्कुल बन रहा था लेकिन वो उस माल को बेच नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे राइट हैंड साइड के जूते भी बने तो भी कर्मचारियों को घर नहीं बैठना पड़ा, उनका काम कंटिन्यूसली चलता रहा और मैनेजमेंट का जो घाटा था वो भी कहीं नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही जूते तैयार हुए उन्होंने मार्केट में बेच दिया। सिर्फ ये था कि जो इस सप्ताह का प्रॉफिट था वो कंपनी को अगले सप्ताह में हुआ, लेकिन इसमें ना कंपनी का नुकसान हुआ और ना ही उस मैनेजमेंट का नुकसान हुआ और ना ही उन कर्मचारियों को नुकसान हुआ। तो राइटर ने एक जबरदस्त मिसाल हमारे सामने रखी है कि किस तरीके से जापान जो अभी भी करंटली में बहुत सारे अपने जो ऐसी चीजें हैं जिनके लिए वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक आइडियल एक आदर्श है, चाहे वो उसके स्कूलिंग सिस्टम हो, चाहे फिर वो उनके कल्चर की बात हो या फिर उनके एनवायरमेंट मैनेजमेंट की बात हो, ऐसी बहुत सारी जापान में चीजें हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकती हैं। तो राइटर ने भी हमें दिया, ऐसा तो हमारे यहां पर कभी आज तक के इतिहास में देखा नहीं गया। पिछले अगर 70-80 साल के हिसाब को देखें तो हमारे यहां पटरियां उखाड़ी गई हैं, पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है, एंबुलेंस को आग लगाई गई है, बिल्डिंगों को आग लगाई गई है, लोगों के घरों को आग लगाई गई है, पुलिस ने गोली चलाई, प्रदर्शनकारियों की जाने गई है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन तो मेरे ख्याल से हमारे दिमाग में कभी आ भी नहीं सकता। तो राइटर ने इसलिए दिया है कि ये तरीके होते हैं, आपको पटरियां उखाड़ने के, रेल और सरकारी गाड़ियों को जलाने की जरूरत नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रदर्शन है तो इस प्रकार का भी किया जा सकता है। Alternatively, the protester may follow the path of satyagraha or hunger strike shown by Mahatma Gandhi. या फिर राइटर कहता है कि अगर इतनी ज्यादा प्रदर्शन की आग लग रही है और प्रदर्शनकारी वाकई में प्रदर्शन करना चाहते हैं, सच्चे मन से करना चाहते हैं, तो फिर उनको सत्याग्रह या फिर भूख हड़ताल का सहारा लेना चाहिए, जो रास्ता हमें महात्मा गांधी ने दिलाया था और ये दो अहिंसक तरीके बताए थे कि अगर मांगे मंगवानी है तो फिर अपने आप को तकलीफें मांगो, as they would then put only themselves to inconvenience for their cause. क्योंकि इस प्रकार के अगर आप दो संसाधन यूज करते हो, या तो सत्याग्रह या फिर भूख हड़ताल, तो इसमें जो प्रदर्शन कार्य होता है वो केवल अपने आप को तकलीफ में डालता है, वो अपने आप को तकलीफ में डालकर अपनी तकलीफ भरी मांगों को मंगवाना जानता है, लेकिन वो किसी दूसरे को तकलीफ में नहीं डालता। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे नेता कभी इन दोनों में से एक तरीका नहीं अपनाएंगे, क्योंकि सारे प्रदर्शन मोस्टली फर्जी और राजनीतिक होते हैं। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस। राइटर कहता है कि ये जो मामूली से ही मैंने आपको मुद्दे बताए ये ही सबसे अहम प्रमुखता वाले मुद्दे हैं। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, अगर आप इसी प्रकार की सारी छोटी छोटी इन गंदगियों को दूर कर लेते हो, चीजों को सही कर लेते हो, प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स। तो फिर प्रोग्रेस तरक्की प्रॉस्पेरिटी समृद्धता और प्लेजर जो आनंद है वो हमारे इस देश के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा होगा। द राइटर इज एस एन गोयल। तो राइटर ने बड़ी खूबसूरती से हमें अच्छी तरीके से ये समझाया है कि हमें किसी भी तरीके की जो फर्जी प्रोपोगंडा होता है मीडिया का वो करने की जरूरत नहीं है। हमें देश की छवि को सुधारने के लिए कोई फर्जी मंगलयान की योजनाएं पूरे वर्ल्ड मीडिया में छापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई हमारे देश के अंदर ऐसी टुच्ची किस्म की घटना घटती है तो पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर हम छा जाते हैं और पता चल जाता है अंग्रेजों को कि जब इंग्लैंड के लोगों ने कहा था कि भारत एक सपेरों का देश है, वो सिर्फ बीन बजाना जानते हैं सांपों के आगे, तो ये बात साबित हो जाती है कि वाकई में हम उस अवस्था से ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। हम आज भी उतने असभ्य जंगली और बर्बर हैं जितने 70-80 साल पहले होते थे। तो इसीलिए राइटर कहता है कि अगर ये जो छोटी छोटी चीज है, क्योंकि इनको तो हम कहीं गिनते ही नहीं है, सफाई को हम कहीं नहीं गिनते, सामाजिक तौर तरीकों को कहीं नहीं गिनते, सामाजिक शिष्टाचार और जो शहरी तरीका है उनको कहीं गिनते ही नहीं है, जंगलियों की तरह ऊंची आवाज में हर चीज बजाते हैं और अपनी पहलवानी समझते हैं कि भाई हम तो आजाद हैं, हमारे पास पैसे हैं, हम तो 10 स्पीकर मंगाएंगे डीजे में। तो ये राइटर कहता है कि वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरे अंतरराष्ट्रीय छवि इस देश की एक झटके में खराब कर देती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां फॉरेनर्स नहीं जाते हो, दूसरे विदेशी देशों के लोग नहीं आते हो, या फिर उस देश की खबरें बड़े दूसरे मीडिया में नहीं छपती हो। फॉर अगर एग्जाम्पल इंस्टेंस अगर हम ले तो अभी जो हजारों की संख्या में मजदूर भारत की सड़कों में पूरे इधर उधर बिखर रहे हैं, सड़कों के नीचे रोज कम से कम 10 जो मजदूर हैं वो ट्रकों के नीचे कुचले जाते हैं,
कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन वर्ल्ड मीडिया की प्रॉपर नजर है, वो इन सारी खबरों को छाप रहे हैं और पूरे विश्व में बता रहे हैं कि किस तरीके का जो डिसमैनेजमेंट है वो हमारे यहां पर फैला हुआ है। जबकि हम ये जानते हैं कि अगर इसी की जगह हमारे नेताओं की रैलियां होती तो इन्हीं जनता को बसों में और ट्रेन में भर भर के इनको तीन तीन टाइम खाने के पैकेट दे देके और उसके अलावा एक्स्ट्रा नकद धनराशि देके इनको ले जाया जाता, लेकिन आज उनको संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन राइटर यही कहना चाहता है कि यही जो छोटे छोटे दिखाई देने वाले इशू है जिनको आप ये कहते हो कि किस देश में नहीं होते, ये तो हमारा घरेलू है। अगर ये कह के आप इनसे पल्ला झाड़ना चाहते हो तो राइटर कहता है कि जो भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि है वो कभी भी नहीं चमकेगी, बल्कि उसमें बाधा पड़ी रहेगी और वो धूमिल होती रहेगी। आई थिंक सबको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट डोंट फॉरगेट योर लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट।